चीज है भाजी, चीज जेनुअन चीज है तो जेनुअन रेट भी होंगे। बिल्कुल, हल्की चीज है तो हल्के रेट होंगे, हल्के रेट होंगे। धीरे धीरे सिस्टम साल डेढ़ साल में ऐसा ही हो जाएगा। हाँ हाँ। कि जेब में पैसे हो तो पशु ले लो, नहीं तो रहने दो, रहने दो। सारा टॉप क्वालिटी का पशुधन है। हाँ। हमारे पास जो भी गाड़ी में भैंसे जाएंगे 15 लीटर से लेकर और 24 लीटर तक की, 24 किलो तक की जो भैंसे है वो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ऑफ सीजन में भी धड़ाधड़ जो गाड़ियों के लोड हैं, डिस्ट्रिक्ट रोहतक का एकमात्र जो डेयरी फार्म है वहां से निकल रहे हैं, पहुंचे हैं टिटोली गांव में। मुर्रा पशुधन के एक ही लोकप्रिय चेहरे मोनवीर कुंडू सर आप यहां पे देख सकते हैं। काफी मेहनत काफी मशक्कत के बाद आठवीं जो गाड़ी है, आठवां जो लोड है भेज रहे हैं मुंबई के लिए, और सिलेक्शन आज भी एक से बढ़कर के एक बेहतरीन। न सिर्फ आपको जो मिनी जो ताज़ा ब्याई हुई भैंसे हैं वो मिलेंगी, बल्कि कद काठी हाइट लेंथ जबरदस्त जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो शो क्वालिटी की जो भैंसे होती हैं वो भी इस फार्म पे देखने को मिलेंगी। तो ज़्यादा लंबी वीडियो को ना करते हुए सीधा लेकर के चलते हैं मोनवीर सर के पास, जानेंगे डिटेल्स। नमस्कार मोनवीर सर। नमस्कार संदीप भाई, कैसे हो जी? बिल्कुल बढ़िया। तो ऑफ सीजन में भी धड़ाधड़ जो भैंसे हैं वो खींच खींच करके निकाल रहे हो। हाँ, लेकिन ये दो गाड़ियां निकाल रहे हैं। दो गाड़ियां। हाँ। तो कितनी कितनी मेहनत लगी? अब तो पूछो ना भाई, मैंने क्योंकि ऑफ सीजन है सर, ऑफ सीजन में तो टाइम पर कमाई कमाई नहीं यार दे भाई, अपने कस्टमर है उनको बचा के, जो अपना भाईचारा उसको बचा के, बस 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 ठीक है। तो पैसों के रेट भाई के डिपेंड हो। हाँ 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 बिल्कुल, क्योंकि सर देखिए जब बाखड़ी भैंसों की वीडियो भी डाल रहे हैं ना, तो अब भी पब्लिक वहाँ पे कमेंट कर रही है कि इतने में तो ताजा आ जाएंगी। हाँ। और ताजा मिल नहीं रही है, है ना भाई? आजकल हाँ। एक ट्रेंड चल रहा है एक साल से, पहले तो ये हर साइड से वीडियो आती थी। हाँ। कि 25 किलो की भैंस 1.5 लाख रुपए में, 16 किलो की भैंस 80,000 रुपए में, ठीक है। और आजकल तो मैंने एक दो वीडियो और देखी थी अभी पीछे, मैंने वीडियो में तो उस भैंस का रेट देखा 1,55,000 और वो भैंस बिक के गई 1,60,000 रुपए। अच्छा देखो, तो और वो बिक रहे बहुत जबरदस्ती। बोला क्या बोलते है, बोला वीडियो बना रहे, उसने क्या जवाब दिया किसी और को दिया है कि वीडियो बना रहे, बोला भाई साहब रेट थोड़े जायज भाई। जो आजकल पशुओं की सबसे गंभीर समस्या है पशुओं का बार बार फिरना, तो आप ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने पशु को सुबह शाम न्यूट्री डाइट जरूर खिलाएं। न्यूट्री डाइट हरेक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। जब आपके पास हो न्यूट्री डाइट तो क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं है ना भाई, वो एक अंधविश्वास है। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। और उसमें जो हमारे व्यापारी वर्ग है उनकी बदनामी हम बिल्कुल 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 ठीक है। कल ना दो पैसे आ जाए, मान लो सपोज करो पैसे हमारे पास आते और अपने कस्टमर को दे देते हैं, मोनवीर भाई हमने देखी थी वीडियो में 1,55,000 रुपए भाव किया है, आप बोल रहे इसको 1,60,000 1,65,000 रुपए, आप तो कमा रहे हो कमीशन, गलत है जबान का मोल। तो उसमें क्या होता है, वहाँ तक हमारे भी दाग है, दाग पड़ जाता कहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वो उनको ये पता नहीं है कि वहाँ पे खेल खेलते हैं। जी जी। कि एक बार कस्टमर आ जाओ कुछ तो लेके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है। तो आज चीज है भाजी, चीज जेनुअन चीज है तो जेनुअन रेट भी होंगे। बिल्कुल, हल्की चीज है तो हल्के रेट होंगे, हल्के रेट होंगे ठीक है। आज 16 भैंसे 20 भैंसे भेज रहे हो, 20 भैंसे जा रही हैं। तो किस किस तरह का पशुधन है एक बार बताते रहिए प्लीज भाजी। सारा टॉप क्वालिटी का पशुधन है। हाँ। हमारे पास जो भी गाड़ी में भैंसे जाएंगे 15 लीटर से लेकर हाँ और 24 लीटर तक की, 24 किलो तक की जो भैंसे हैं। हाँ। वो और आप कुछ बता रहे थे जो अनाउंसमेंट थी फाइनली एक बार करी, दो भैंसों पे तो बाद में जाएंगे। हाँ भाई वो बात सही है, है? देखो काफी परेशान हो गया है। हाँ। आगे लोट भरेंगे ना, जो देखो हमारे पुराने कस्टमर है। हाँ। तो उनकी तो डिमांड हमने करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो भी लोट भरेंगे भाई कैश का भरेंगे। हाँ। उधार का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि आपकी जबान कहीं ना कहीं देखो टाइम पे जब पेमेंट नहीं आएगी तो मार्केट में बना रहना है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। हाँ हाँ, उनको तो पता है क्या आ गया, एक महीने का टाइम देंगे, 2 महीने का टाइम देंगे, फिर फोन उठाने बंद कर।
ठीक है, चलो आज तक मैं तो ये भाई जो नए सलाहकार बन रहे हैं, धीरे धीरे सिस्टम साल डेढ़ साल में ऐसा ही हो जाएगा कि जेब में पैसे हो तो पशु ले लो, नहीं तो रहने दो बिल्कुल ठीक है। और होना भी चाहिए सर, कैश का काम तो कैश का ही होता है, सीधी सी बात है। आज मैं ज्यादा कहता नहीं, अगर आज हम हमारी इतनी इज्जत है मार्केट में कि हमारे कोई पैसे के लिए नहीं बोलता, बिल्कुल पशु लेके जाओ, ये नहीं पूछते कि पैसे कब आएंगे, वो मार्केट खत्म हो जाएगी भाई। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, मैं घर से कब तक दूंगा। सही बात है। तो भाई जी, मैं तो गाड़ी भरेंगे, नकदगी भरेंगे, जी 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 ठीक है। और जो अपने पुराने एक दो अच्छे कस्टमर है उनके साथ लेन देन ज्यादा, बहुत बढ़िया ठीक, नहीं तो अपना अच्छा पशु जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम एक जो उधार का जो कामकाज है सर बंद कर रहे हैं फाइनली, और कैश का आगे जितनी भी लोड जितनी भी गाड़ियां भरी जाएंगी सारा कैश का, क्योंकि इनको भी मार्केट में पैसा बांटना होता है। जब टाइम से पेमेंट आगे से नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं न सिर्फ इनका जो व्यवहार है वो ख़राब होता है, बल्कि कहीं ना कहीं जो अंतरात्मा है, जो खुद का स्वाभिमान है, उसको भी ठेस पहुँचती है। तो ऐसा ना करें, नगद लें, नगद दें। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, गद दोर गद लो, ऐसा ही था मुनवीर सर, है ना, उसमें अलग मजा है। हाँ बिल्कुल, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, आप आते हैं पशुधन पे। भाई देखो, मैं इतना वो नहीं है कि ये सोचो कि भाई मोनवीर परेशान हो रहा है इसलिए बात कर रहा है। हाँ भाई, दिमाग में देखो तीन जगह पे फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल होती है सर, उनका लिखो फिर उनको दो, तो अकेला आदमी ज्यादा परेशान हो जाए बिल्कुल, और थोड़ा टाइम के साथ बदलना पड़ता भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो देखें टाइम टू टाइम चेंजमेंट बहुत जरूरी है। पुराने कस्टमर मेरे साथ रेगुलर चल रहे हैं, मेरे टाइम की पेमेंट आती रहती है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, उनको आज भी चाहे वो 200 पैसे चाहे वो 250 पैसे, बिल्कुल उनके लिए कोई ना, ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन कोई ये ना है कि स्पार्क्स लगवा भाई, उसका कस्टमर का फोन करवा दिया वहाँ पे इतने रुपए रोक दो, अपने बस की बात। जी 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 सही बात है। तो शुरुआत करेंगे मनवीर सर यहीं से, बताते चले पशुधन पे आते हैं प्लीज। भारी भरकम शरीर का, ऑफ सीजन में भी जो पशुधन है बड़ी मेहनत बड़ी मशक्कत के बाद निकाल करके लेकर के आए हैं, और जबरदस्त जो कदकाठी वाला पशुधन है, मुंबई के लिए रवाना होंगे। अगला पशुधन है सर बताएं। इसमें भाई अभी 20 प्लस मौके पे, 20 प्लस दूध मौके पे तैयार। ब्यात कौन सा है? तीसरे ब्यात में अडर आप देखें, पैरों के बीच का टाइट अडर, बात करूं हाइट की, कद काठी की, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहलवानों के जैसा भारी भरकम शरीर, शानदार टीट स्पेसिंग, डेवलप्ड जो मजबूत थनों के कूप है वो इस पशुधन में जी, थर्ड टाइमर बफलो में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो एक और पशुधन है सर बताएं प्लीज। 23 से 24 किलो दूध मौके पे तैयार। ब्यात कौन सा है सर? सेकंड लैक्टेशन में। तो देखें 20 प्लस दूध की भैंसे खासकर ऑफ सीजन में निकाल करके लेकर के आना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा मेहनत आफत भरा काम मैं कहूंगा, बावजूद उसके काफी मेहनत करी है, और 20 प्लस दूध की भैंसे ऑफ सीजन में भी निकाल करके हमारे जो ग्राहक हैं उनको दे रहे हैं। अब आते हैं घर और व्यापार में शुभ माने जाने वाली मिनी, ठीक है, दोनों सींग हिलते हैं, बहुत बढ़िया सर। मौके पे 15-16 किलो जो दूध है, 5 से 6 दिन की ब्याई हुई मिनी जो बफलो है वो देखे, प्रॉपरली दोनों सींग हिलते हैं, अडर की क्वालिटी देखें, शानदार पैरों के बीच का जो टाइट अडर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा ब्यात है मुनवीर सर इसका? ये सेकंड भाई। सेकंड लैक्टेशन में। अगला पशुधन है जी? ये सेकंड है। सेकंड टाइमर, ठीक है। से खाली हो गया। हाँ। तो देखें पीठ की क्वालिटी, सबसे पहले सेकंड टाइमर झोटी में माइनस पॉइंट है, तो थोड़ा सा सींगों का खुलापन मैं कहूंगा जी, और बाकी माथे पे जमता हुआ जो सींग है वो, तो कितना दूध अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे? 14-15 किलो जो दूध है निकाल देगी। एक और पशुधन है सर बताएं प्लीज। फर्स्ट टाइमर, बहुत बढ़िया। दांतों में 6, मौके पे 13 किलो दूध, फर्स्ट टाइमर झोटी, काफी सारे पशुपालक भाइयों की डिमांड रहती है, और काफी जबरदस्त जो अडर क्वालिटी है, शानदार जो पैरों के बीच का टाइट अडर, जबरदस्त हाइट में हमारे पशुपालक भाइयों को यहाँ से देखने को मिल रहा है। अगला पशुधन है मनवीर सर, इसमें मुख्य पे भी 13-14 लीटर दूध होगा। 13-14 लीटर दूध। ब्यात कौन सा है जी? तीसरा, तीसरा।
ठीक है, तो अर्डर में जोश आज कम है, ऐसा दूध निकल गया भाई। दूध निकल चुका है, ठीक है। तो देख सकते हैं अगला पशुधन है मुनवर सर, बताए प्लीज। ये सेकंड टाइमर है भाई। सेकंड टाइमर, ठीक है। दूध अभी ये खींचते हैं ऐसे, लगा लो खाली हो गया तो 10 लीटर होगा। 10 लीटर जो दूध है हाल फिलहाल में, कितने दिन की ब्याई होगी? खींच से खाली हो गई। नहीं, ब्याई वैसे कितने दिन की होगी? परसों की। तो आज जो वीडियो है 18 अप्रैल को शाम के समय 5:30 बजे के करीबन मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ। तो अगला पशुधन है जी, बता दीजिए प्लीज। इसमें 13-14 लीटर 13-14 लीटर दूध, ठीक है। ब्याज सर सेकंड भाई जी, सेकंड। तो देखिए धड़ाधड़ जो गाड़ियों के लोड हैं वो, अंदर की जो व्यवस्था है वो देखिए, अब और भी जो भैंसे हैं काफ़ी सारी, काफ़ी तादाद में यहाँ से आएंगी। और कुछ एक भैंसे हैं जो सर बार की बार भी आप भेजोगे यहाँ से, आने लग रही हैं, ठीक है। तो मनवीर सर और क्या कुछ चलते चलते लास्ट में बताई दो शब्द भाई। ऐसा है, साफ सुथरा काम करो जी और अच्छा काम करो भाई जी, अपनी भी इज्जत बनाए रखो और अगले की भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और काम थोड़ा चमके करो, काफी अच्छा काम है। और अच्छे पशु के साथ काम करो, बिल्कुल। ये नहीं है कि अर्धा रेट, और एक जो अपने पशुपालक भाई है जो भी व्यापार करते हैं कुछ भी करते हैं, इनको ये मैं कहना चाहूंगा कि भैया झूठ बोल के जो वीडियो में कुछ रेट बोला हुआ ये गलत है भाई, गलत है, ठीक है। इसमें आना मेरा, देखो हमारा, मैंने कोई नए कस्टमर से पैसे नहीं देने, मेरे पुराने कस्टमर को नहीं माल देता हूँ जी जी, ठीक है। लेकिन जो नए आते हैं ना चेहरे सामने, उनके साथ एक वो विश्वासघात है, बिल्कुल वो विश्वासघात मत करो, ठीक है। तो मनवीर सर जितनी भी भैंसे आपने दिखाई है, एक मिनिमम से मैक्सिमम जो रेंज है क्या रहेगी जो भेज रहे हो यहाँ से? भाजी ये गाड़ी पड़ेगी 18 लाख रुपए की। 18 लाख रुपए की 20 भैंसे? नहीं, एक गाड़ी भाई, एक गाड़ी 10 भैंसे 18 लाख। और एक गाड़ी पड़ेगी लगभग 14.5 लाख। 14.5 लाख की, तो 32-33 लाख का जो करीबन करीबन जो पशुधन है वो आपके लिए। 20-22 लीटर की जी 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 जी। आज इनकी कीमत लग रही है 2,17,000 रुपए की भैंस भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 24 लीटर दूध 1.5 लाख कोई नहीं देता भैया, अच्छी पशुधन की अच्छी कीमत कहीं ना कहीं अदा करनी पड़ेगी। तारीख में 20 लीटर दूध काटेगा ना, हाँ हाँ, तो 2.5 लाख रुपए की भैंस, 2.5 लाख रुपए की, बिल्कुल है सर। हाँ। पूरे हरियाणा में घूम के देखता हूँ, महीने में हम 1-2 भैंस 25 लीटर की निकालते हैं। हाँ। अभी जो मिल्किंग करवाई थी वो 26-27 लीटर की भैंस, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन बहुत कम है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पूरे गांव में घूमने निकल जाए तो 20 लीटर की मुश्किल देख भैंस मिल, सही बात है। तो समय समय पे जो अपडेट्स हैं, जो रेगुलर रूटीन से वीडियोस हैं मनवीर सर के फार्म से आती रहती हैं। आज 20 भैंसों का लोड जा रहे हैं यहाँ से मुंबई के लिए, और काफ़ी शानदार जो भैंसे हैं, काफ़ी शानदार जो पशुधन हैं सेलेक्ट करके भेजना, काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्कत, काफ़ी आफत भरा जो काम है वो मैं कहूँगा जी जी जी। टाइम पर तो अपने कस्टमर को आना, बस चीज को जाओ। तो अगले महीने से ब्याज शुरू हो जाएंगे ऐसा? अगले महीने के लास्ट से शुरू हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा रेट में भी फर्क आ जाएगा और ऑप्शन भी हमारे पास बहुत सारे होंगे, है ना। अच्छा, दूसरी बात भाई जी, मतलब जो ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के थ्रू में कस्टमर आते हैं, हाँ, उनसे पहले ये बात कहता हूँ, उनसे पहले ये पूछ लेना जो वीडियो में रेट बताए वो पशु बिक लिए या है, हाँ हाँ, क्यों वहाँ से आने के बाद वो देखते हैं कि बिके हुए हैं, तो कोई फायदा नहीं इतनी दूर सफर करने का, पहले ये पूछ लो, हाँ हाँ, कि ये पशु बिक चुके हैं या नहीं है, ठीक है। देखो हमारे सारे सेल आउट हुए, सेल आउट हो रखे, अभी मैं इसके बाद 24 लीटर 1 लाख रुपए की आपको दे रहा हूँ, तो उसमें कस्टमर भाग गया, बिल्कुल बिल्कुल, फिर ये आ गई तो मिलेगी दूसरी चपवा जी जी जी, वो काम है वो गलत है सर, गलत ना करो मैं तो, ये बिल्कुल ठीक है जी जी, ठीक है। मैं देखो व्यापार लाइन में व्यापारी से दिखा लो जो बर्बाद हो, वो झूठ के कारण बर्बाद, झूठ के कारण, ठीक है। कमाना है 1 लाख रुपए कमाने, 2 लाख रुपए क्या कमा लो, बिल्कुल बिल्कुल, पशु दो लेकिन जी जी जी, क्वालिटी वाली चीजें मिलनी चाहिए, सही बात, क्वालिटी दो, क्वालिटी के लिए पैसा भी कमाओ, बिल्कुल। लेकिन अगर ये कह देना भाई ये भैंस 3 रुपए की आ रही है, हाँ, भैया 2 लाख रुपए की आ रही है, मैं दूंगा अपनी को 4 लाख, 10 लाख, 2.5 लाख की, 2 लाख, सही बात है, सही बात, क्या कमा लो, बहुत बढ़िया, झूठ मत बोलो, ठीक है। तो काफी अच्छे संदेश के साथ काफी अच्छा पशुधन मनवीर सर के फार्म से देखने को मिला। डिस्ट्रिक्ट रोहतक का गांव है टिटोली, आर्यन कुंडू के नाम से एक अच्छा जो डेयरी फार्म है मनवीर कुंडू, काफी लोकप्रिय चेहरे रहे हैं मुर्रा पशुधन के। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद जो कामकाज है वो इन्होंने शुरू किया था, और आज काफी बुलंदियां, काफी जो
रेपुटेशन है वो इन्होंने कमाई है मार्केट में। रेशमा तो देखते हैं सर, सस्पेंस में है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, बिल्कुल लक पे काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। हो जाएगा क्या बता, आपने बोल दिया तो शायद हो भी जाए। जी जी देखो मैंने तो पहले कहा तक आपको पहले कभी की हर एक रिकॉर्ड नया होगा, लेकिन कोशिश हमारा पशु ठीक नहीं हो लिया तो उदा छोटी रिकॉर्ड नया। बिल्कुल 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 जी, कोशिश करेंगे काफी, कोई बात नहीं मनवीर सर, मेहनत करते रहो, मिलेगा कुछ ना कुछ। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।